अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे गूगल रिज़ल्ट टेस्ट के बारे में। तो इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक यूआरएल और एक कोड। और यहाँ पे नीचे उन्होंने टाइप का भी बताया है। अगर आप डेस्कटॉप बोट यूज़ करना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप मोबाइल बोट यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मोबाइल इसलिए डिफ़ॉल्ट है क्योंकि आपको पता होगा कि मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स गूगल ने रिसेंटली लॉन्च किया था, तो वो आप मोबाइल की नज़र से देखते हैं आपकी वेबसाइट को। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कोड साइट को। तो ये देखें, ये स्कीमा इस तरह शो होगा अगर हम ये कोड यूज़ करें। तो अब चलते हैं यूआरएल साइट की तरफ। इस टूल का मकसद होता है कि हम अपने स्कीमा को प्रीव्यू कर सकें, और अगर कोई रूल हम उनके ब्रेक कर रहे हैं तो वो भी हमें बताता है कि आप इस पेज पे ये वाला स्कीमा यूज़ नहीं कर सकते, तो आप इसको रिमूव कर दें। ये देखें, ये इशू आ रहा है कि जितने आपने स्कीमा यूज़ किए उनमें वो सारे उनमें से कुछ जो हैं वो आपके पेज के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब आपको उन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हैं ये इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आप इन्हें फिक्स करें। उसके अलावा ये साइट लिंक्स का स्कीमा है। अब मैं चाहूँ तो इस पेज पे जितने स्कीमें यूज़ हुए हैं उनका प्रीव्यू भी देख सकता हूँ। ये देखें, ये प्रीव्यू। अब एक शॉप वेबसाइट को टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये देखें, ये शॉप का स्कीमा है और ये इस तरह शो होगा, शो हो भी रहा है। तो इस तरह करके आप स्कीमा जनरेट करने के बाद इस टूल में आप चेक कर सकते हैं कि उसका किस तरह वो गूगल के अंदर शो होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी। अल्लाह हाफिज़।